भगवान क्या है, भगवान क्या है, क्या भगवान जिंदा है या मर चुका है? भगवान मर चुका है, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल एंड नेचुरल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज मानसिक रोगों का पूरी तरह से आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो भी ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। लोग भगवान को ढूंढते कहाँ हैं? लोग ढूंढते हैं, कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है, कोई किताबों में ढूंढता है, कोई पहाड़ों में ढूंढता है, कोई गुफा में ढूंढता है, कोई आकाश में ढूंढता है, सभी ढूंढ ही रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि भगवान खोया कब था, भगवान ने कब कहा कि मेरा ठिकाना ये है और आ जाओ और मुझे प्राप्त कर लो? तो भगवान ने कभी कहा ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो कहता क्या, वास्तव में भगवान होता नहीं है। ये जो भगवान हम देखते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, या टीवी सीरियल्स में, या जो पिक्चर्स हैं भगवान की मूर्तियां हैं, ये हमारी मात्र एक कल्पना है। ये इंसान की कल्पना शक्ति का चमत्कार है कि हमने काल्पनिक कुछ चीजें निर्मित कर ली हैं। भगवान वास्तव में क्या है? तो भगवान, कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो कहते हैं कि भगवान मर चुका है। फिजिक्स, जिसमें एक क्वांटा शब्द आता है कि हर चीज एनर्जी से बनी हुई है, अणु परमाणु है, एनर्जी है। तो एनर्जी वास्तव में क्या है? हर चीज में एनर्जी है। जैसे पहले धारणा थी कि जड़ और चेतन, चेतन वो है जिसके अंदर चेतना है, जड़ वो है जो चेतना से रहित है या जिसमें चेतना सोई हुई है। तो जिसमें चेतना सोई हुई है वो जड़ है, और जिसमें चेतना है वो चेतन है। तो ये जड़ चेतन की बात हुई। तो वास्तव में जड़ चेतन भी कुछ नहीं है, चेतन जो है वो सजीव है और जो अचेतन है वो जड़ है। तो ये जड़ चेतन भी एक लेवल पर एक ही हो जाता है, क्योंकि हर चीज सूक्ष्म से सूक्ष्म जब हम चलते चलते हैं तो हर चीज एक में स्थापित हो जाती है। ये इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसमें लाखों अरबों आकाश गंगाएं हैं, लाखों अरबों सौरमंडल हैं, सूरज हैं, पृथ्वियां हैं, और लाखों अरबों यूनिवर्स से मिलकर बनता है मल्टीवर्स। तो इतना बड़ा जो नियम चल रहा है, जो ये पूरी धरा का सृष्टि का जो नियम है, वही भगवान है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान शक्ति है, भगवान व्यक्ति नहीं है। तो ये तो व्यक्ति की मूर्तियां हैं जो हम मंदिरों में, मस्जिदों में या घर में दीवारों पर लगा करके रखते हैं, ये तो व्यक्ति मात्र है। तो पहली बात तो ये कि ये व्यक्ति भगवान नहीं होते, शक्ति को भगवान कहा गया है। इस पृथ्वी की जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, या जो भी शक्ति है जो काम कर रही है, दो फोर्स जो काम कर रही है, पूरे यूनिवर्स की शक्ति है, वो शक्ति भगवान है। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में दान चढ़ावा, पता नहीं कितने तरह के आडंबर करते हैं। क्या किसी शक्ति को खुश किया जा सकता है? क्या कोई सुहामणि देने से कोई शक्ति खुश हो सकती है? क्या प्रकृति का नियम बदल सकता है सुहामणि, 200 मणि, 500 मणि देने से? क्या अभी ये हरियाली है चारों तरफ, क्या ये गेहूं एकदम से पक सकती है? क्योंकि प्राकृतिक नियम है, नहीं हो पाएगा, और हो भी पाएगा तो वो भी किसी नियम के तहत हो पाएगा। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति होता तो वो खुश भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, मान लेते हैं, क्योंकि भगवान को खुश करने की तब जरूरत है जब वो नाराज होता है। और भगवान को जब व्यक्ति समझ लिया तो खुश होता है, तो इसका मतलब वो नाराज भी होता है, नाराज होता है तो उसे खुश भी करना पड़ता है, खुश कर लिया फिर से नाराज हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की तो स्वाभाविक गुण है, 19 मूड तो नित्य बदलने ही बदलने हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। तो भूल हुई है मानवता से भगवान को व्यक्ति मानने की। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान है शक्ति, और वो शक्ति क्या है? जो नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, यूनिवर्सल नियम है, सनातन सत्य है, जो इस सार्वभौमिक सत्य है, जो कभी ना तो बदला था ना बदल पाएगा, वही भगवान है। इतना बड़ा भगवान, क्या वो 2 पैसे चढ़ाने से मंदिर में मिल जाएगा, 4 पैसे चढ़ाने से वो कुछ काम कर देगा? ये रिश्वतखोरी भगवान के आगे कैसे चल सकती है? लोग रिश्वत देने के लिए भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं कि हम 500 चढ़ा रहे हैं, वो 1000 चढ़ा रहा है, हम 2000 चढ़ाएंगे, हमारा काम ज्यादा बनेगा, किसी ऑफिसर से बात करवानी है, ले भगवान तू करा दे। बिचौलिया बना रखा है, अपने अपने
व्यक्ति मान लिया ना तो ऐसा ही करना पड़ेगा। व्यक्ति समझ समझ करके भगवान को किस कैटेगरी में ला दिया भगवान, फिर वो व्यक्ति तो वास्तव में भगवान है नहीं, वो खुश नहीं होता है, फिर उस पे उलामा भी उसे मिलता है कि तूने हमारा काम नहीं किया, हम तुझे मानेंगे नहीं, हम तुझसे गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं, कुछ लोग धर्म विरोधी बन जाते हैं, जानते दोनों ही नहीं। नास्तिक भी दावा करते हैं कि भगवान नहीं होता, आधे तो वो भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि जो जान लेता है वो ना नास्तिक होता ना आस्तिक होता, वो मुक्त हो जाता है। तो नास्तिक भी उलझ गए, आस्तिक तो पहले से ही उलझे थे, क्योंकि नास्तिक वही इंसान होता है जो बुद्धिशील है। वास्तव में नास्तिक इंसान परम बुद्धि वाले होते हैं, जो हाई लेवल की इंटेलिजेंस नास्तिकों के अंदर पाई जाती है। तो नास्तिक सिरे के इंसान होते हैं, इंसानों में विद्वान और सर्वश्रेष्ठ इंसान नास्तिक ही होते हैं, और आस्तिक इंसान तो पिछलग्गू होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। किसी ने कह दिया ये मान लेते हैं, दूसरे ने कह दिया इसे मान लेते हैं, तीसरे ने कह दिया कुछ भी मान लेते हैं। इन्हें अपना विवेक नहीं होता, अपना तो एक शरीर भी नहीं इनका नहीं होता, वो भी दूसरे का ही दिया हुआ लेकर के घूम रहे होते हैं। मैं ये बातें कुछ अजीब सी कर रहा हूँ, क्या आप समझ पाए? समझ पाए वेल एंड गुड, वरना कमेंट में तो मुझे पता ही है कि आपकी क्या क्या आउटपुट आने वाली है। इस वीडियो को आपने इतने ध्यान और तन्मयता से देखा, इसके लिए मैं मिस्टर साई को गुरु आपका तहे दिल से धन्यवाद दूँ।